सो ग्रीटिंग्स पोकी फैंस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए पोकेमोन ग्लेज के एपिसोड के अंदर। आज के एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं फिर से एक बार लेजेंडरी कैप्चर करने के लिए। लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने आपको दिखा दिया था ज़ेक्रोम रेशिराम और उसके साथ साथ क्यूरम का लोकेशन, जरूर चेकआउट करना लास्ट एपिसोड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक। और उसके साथ साथ हम लोग पिछले 5-6 एपिसोड से लेजेंडरीज को कैप्चर करते आ रहे हैं, तो कैसे आपको इस गेम के अंदर लेजेंडरी एक्टिवेट करनी है, उसके साथ साथ कहाँ पे आपको लेजेंडरी मिलने वाले हैं, उसके बारे में मैंने लोकेशन ऑलरेडी बता के रखी हुई है, जरूर चेकआउट कर लेना। और एपिसोड पसंद आते तो लाइक ज़रूर करना और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं रैंक ऑरिजन के अंदर, वो भी रिफिन एजाइल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैप्चर करने वाले, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, हम लोग एक ट्रियो को कैप्चर करने वाले हैं, उस ट्रियो को हम लोग आज के एपिसोड में देखने वाले हैं। तो फिलहाल तो मैं ज़्यादा कुछ खिच करूँ, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जाऊँगा ऑकलेन एजाइल की तरफ। और ऑकलेन एजाइल की तरफ आने के बाद हम लोग को 2-3 चीज़ें देखनी है कि हम लोग के पास वो एलिमेंट है कि नहीं जिससे करके हम लोग कैप्चर कर पाए यहाँ के पर्टिकुलर पोकेमोन को। तो फिलहाल तो ऑकलेन एजाइल के अंदर हम लोग को जाना है माउंट रिटॉच के अंदर, और माउंट रिटॉच के अंदर हम लोग ने एंट्री ज़रूर ले ली है, तो सीधा हम लोग को भी जाना है उसके टॉप पे, वहाँ पे हम लोग को एक पोकेमोन मिलने वाला है, उसके बाद हम लोग उसके साथ बातचीत करेंगे। और इस पर्टिकुलर पैच पे आने के बाद आपके पोकेमोन बर्न हो जाते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पे हम लोग क्यों आए थे लास्ट एपिसोड्स के अंदर, तो ज़रूर उसके लिए जानना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में पूरी गेम की प्लेलिस्ट देके रखी हुई है, ज़रूर चेकआउट करना, बहुत ही ऑसम सी सीरीज़ है। अगर आप ये गेम खेलना भी चाहते हो तो गेम का डाउनलोड लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, गूगल ड्राइव से जाकर डाउनलोड कर लेना। और हर एक हैक के बारे में बताया गेम के, उसके साथ साथ आपको कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें मिलने वाली है, सारी चीज़ें इस गेम के अंदर मैंने पूरे पैकेज के साथ कवर करके रखी हुई है। अभी कुछ लेजेंडरीज बाकी है और कुछ 2-3 मिशन बाकी है गेम के अंदर, उन लोग को हम लोग देखने वाले हैं, और वो भी प्रीवियस एपिसोड्स में हम लोग देख भी चुके हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हाफ रह गई थी, वो अभी आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं। तो हम लोग मोल्ट्रेस से मिलने वाले हैं, लेकिन मोल्ट्रेस बोल रहा है उसको चाहिए फायर प्लूम। हम लोग ने फायर प्लूम जरूर लेके आए, फायर प्लूम हम लोग को कहाँ पे मिला तो उसके लिए आपको प्रीवियस एपिसोड उसके लिए बोल रहा हूँ चेकआउट करो। मोल्ट्रेस यहाँ पे आपको 80 लेवल का मिलने वाला है, कैंटो के जितने भी लेजेंडरीज हैं वो हायर लेवल के होने वाले हैं, और आगे आगे जाने के बाद जब जो तो उसके बाद सीनो उनके पोकेमोन आपको लेजेंडरीज लोअर लेवल के मिलने वाले हैं। मास्टर बॉल यूज़ करेंगे, मोल्ट्रेस को कैप्चर कर लेंगे। मास्टर बॉल हम लोग को कहाँ पे मिला, अनलिमिटेड मास्टर बॉल की चीज़ ऑलरेडी मैंने कवर करके रखी हुई है एपिसोड के अंदर, जरूर चेकआउट कर लेना, बहुत ही वर्किंग मसल सी चीट है जिससे करके आप अनलिमिटेड मास्टर बॉल को ले सकते हो। वैसे आप इस गेम के अंदर मास्टर बॉल बाय भी कर सकते हो, कहाँ पे बाय करना है वो भी मैंने आपको बता के रखा हुआ है। अभी ट्रीटॉस से निकल जाएंगे। एक्चुअली मोल्ट्रेस ये बोलने वाला था कि हम लोग को वहाँ पे फायर प्लूम लाने पड़ेंगे, फायर प्लूम, आइस प्लूम, उसके साथ साथ एक अनदर है थंडर प्लूम, वो आपको ये तीनों प्लूम्स लाने पड़ते हैं, वहाँ पे रखने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप वहाँ से निकल सकते हो। क्योंकि अगर आप मोल्ट्रेस को कैप्चर कर देते हो उसके बाद वेदर का जितना भी चेंजेस आपको कंडीशन चेंज हो जाती है और उसका सारा इफेक्ट पोकेमोन वर्ल्ड पर गिरता है, उसकी वजह से हम लोग को फायर प्लूम की जगह मोल्ट्रेस को कैप्चर करना, मतलब रिप्लेसमेंट है, मोल्ट्रेस को कैप्चर करो वहाँ पे फायर प्लूम रख दो। फायर प्लूम मतलब कुछ भी नहीं है, मोल्ट्रेस का एक पंख होता है छोटा सा, वो आपको वहाँ पे रखना पड़ता है। और ऐसे ही कुछ ऐसा पंख है या फिर कुछ ऐसा एलिमेंट है जो मोल्ट्रेस की जगह रखने के वजह से वेदर का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता नहीं है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट एजाइल की तरफ, जहाँ पे है नाइट्रो एजाइल, ठीक है, नाइट्रो एजाइल की तरफ अभी हम लोग जाएंगे। और नाइट्रो एजाइल के अंदर हम लोग जाएंगे माउंट डाइनो के अंदर। माउंट डाइनो के लास्ट टाइम बहुत बड़ा चीज़ हुआ था इस पर्टिकुलर माउंटेन के अंदर, और अभी भी याद है। सुपर रिपेल यूज़ करेंगे, फिर से एक बार हम लोग माउंट डाइनो के एकदम टॉप पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग को एक अनदर लेजेंडरी ट्रियो में से सेकेंड ट्रियो मिलने वाला है। थंडरलिंग चालू है, मतलब ज़ेप्टोस यहाँ पे आपको मिल सकता है। और अगर आपने मेरे सारे एपिसोड्स देखे रहेंगे तो आपको पता ही रहेगा कौन से माउंटेन पे कौन कौन सा पोकेमोन मिलने वाला है। वैसे लोकेशन इनकी आपको पता रहेगी, लेकिन आपको प्लूम्स कहाँ पे मिलने वाले ये आपको ज़रूर पता लगाना है, तो सीरीज़ को ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपको पोकेमोन एडवेंचर देखना है, मतलब रेड एडवेंचर देखना है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। उसके अंदर पूरी रेड की जर्नी दी हुई है, रेड ने कैसी जर्नी को फॉलोअप किया है, क्योंकि मैं भी अभी तक वो जर्नी खेलते ही जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें रिवील होती जा रही है। आपको यहाँ पे ज़ेप्टोस मिलने वाला है, फॉर शो दैट्स अ बोनिफाइड थंडर ब्लूम, आई न्यू यू कुड डू इट डूड। एंड यहाँ पे थोड़ा सा जो ज़ेप्टोस है ना, हिप हॉप स्टाइल में बात करता है, तो उसके वजह से थोड़ा सा फनी मोमेंट लगता है। मोल्ट्रेस भी थोड़ा सा फनी है इस गेम के अंदर। हम लोग अभी ज़ेप्टोस को फिर से एक बार मास्टर बॉल के मदद से कैप्चर करने वाले। वैसे मास्टर बॉल बाय कहाँ से करना है वो मैंने आपको बता दिया था एपिसोड्स के अंदर, लेकिन उसके अंदर एक थोड़ी सी चीज़ है कि वो थोड़ा हाई प्राइस में मिलता है आपको, तो उससे बेटर है कि आप चीट कोड एक्टिवेट कर दो। और आप बोलोगे भाई रेयर कैंडी की चीट और बाकी की चीट कोड्स कब आने वाले हैं,
वो भी आने वाले हैं। मैं हमेशा रेयर कैंडी की चीट्स और उसके साथ वॉक थ्रू द वॉल्स इन्फिनिट मनी की चीट आपको मेरा गेम प्ले खत्म होने के बाद ही दिखाता हूँ, क्योंकि मैं वो खुद यूज़ नहीं करता, उसके वजह से मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता उन चीट्स में। मास्टर बॉल का चीट इसके लिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं लेजेंडरीज यूज़ नहीं करता, तो मास्टर बॉल यूज़ करना बनता है और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाता है। आपको लोकेशन भी पता चल जाती है फटाफट से और उसके साथ साथ मेरा भी टाइम बच जाता है और वो टाइम मैं दूसरे गेम प्ले खेलने में कन्वर्ट कर देता हूँ और ज़्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना और अभी तक एपिसोड पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ज़ैप्टोस को हम लोग ने कैप्चर कर लिया। अभी हम लोग जाएंगे थर्ड एजाइल की तरफ जो है कोलो एजाइल, और वहाँ पर हम लोग को मिलने वाला है द थर्ड ट्रियो लेजेंडरी, मतलब थर्ड लेजेंडरी ट्रियो में से जिसका नाम है द आर्टिकुलो, आइस टाइप के लिए माना जाता है। और अभी लेटेस्टली हम लोग को आइस प्लूम मिला था, उसके जगह पे हम लोग अभी रिप्लेस करने वाले हैं उस प्लूम को। तो अभी फिलहाल सीधा सिलेक्ट करेंगे कोलोजाइल को और मैं ऐसा एक्सप्लोर द शिप और कुछ नहीं करने वाला, सीधा स्ट्रेट जाएंगे आइलैंड की तरफ, क्योंकि इस एपिसोड में फिलहाल तो कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि आपको मैं लोकेशन दिखा दूँ और कैसे आप प्लूम्स को ले सकते हो और रिप्लेस कर सकते हो आर्टिकलों के साथ, वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ। और एक्सप्लोर द शिप वाली चीज़ें, कैसे आपको शिप के बाहर निकलना है, वो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर करके रखी है सीरीज़ के अंदर। अभी हम लोग को जाना पड़ेगा ऊपर के केव के अंदर और ऊपर के केव के अंदर आने के बाद सीधा हम लोग एंटर करने वाले हैं माउंट फ्रोजन के अंदर, जो पहले ब्लॉक था जैसे बताया मैंने, लेकिन अभी फिलहाल ओपन हो चुका है। और ओपन तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन इस केव के अंदर थोड़ी सी एक कॉमेडी हो चुकी थी और उस कॉमेडी को तो भाई कॉमेडी रहने देते थे, आपको एपिसोड के अंदर ही पता चल जाएगा जब आप एपिसोड को देखोगे वो वाले। और अभी मेन चीज़ तो यहाँ पे ये वाली जो पज़ल है ना, वो बहुत ही इरिटेटिंग पज़ल है और इस पज़ल ने मुझे बहुत बार परेशान किया, क्योंकि सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फटाफट से इस पज़ल को मैं सॉर्ट आउट करूँगा और आपको मैं सीधा आर्टिकुलो के सामने मिलने वाला हूँ, क्योंकि इस पज़ल को सॉर्ट करने के बाद आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी, आपको सीधा स्टेज से जाना है और स्टेज से जाते जाते आप सीधा आर्टिकुलो की तरफ पहुँच जाओगे। सोच रहा था आपको आर्टिकुलो के सामने मिलता हो, लेकिन उसके बाद आपको ये साइज पज़ल को सॉल्व करना है और ये बहुत ही सिंपल पज़ल है। उसके बाद आप आ जाओगे आर्टिकुलो के पास और आर्टिकुलो, आई हैड अ फीलिंग यू वुड बी फाइंड आइस प्लूम, सो यू आर हियर विद अ बैटल विद मी एंड कोडेक्ट एंड देन आई सपोज टू पॉइंट स्टैंडिंग हियर। तो इसके साथ हम लोग आइस प्लूम को प्लेस करेंगे विद आर्टिकुनो, आर्टिकुनो को कैप्चर करेंगे और इसी के साथ आज के एपिसोड में जैसे मैंने बोला था कि तीन लेजेंडरीज को दिखाने वाला था, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, ट्रियो ये था मोल्ट्रेस, सेप्टोस और आर्टिकुनो। तो बहुत जनों को क्वेश्चन रहेगा हाउ टू कैप्चर मोल्ट्रेस, सेप्टोस एंड आर्टिकुनो इन पोकेमॉन ग्लेस, तो उसका ये सोल्यूशन है। उसके साथ साथ वेयर यू कैन गेट आइस प्लूम, फायर प्लूम और थंडर प्लूम, उसके बारे में भी मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके रखी हुई है, तो ज़रूर एपिसोड को चेक कर लेना। प्रीवियस वाले भी आर्टिकुलो को हम लोग ने कैप्चर कर लिया है, उसको निकनेम नहीं देंगे क्योंकि लेजेंडरीज को निकनेम नहीं देता मैं। इस आइलैंड के बाहर निकलेंगे और जाएंगे सीधा नेक्स्ट लेजेंडरी को कैप्चर करने के लिए और एपिसोड के अंदर बने रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है नई। निकलते टाइम पे इतना ज़्यादा पज़ल को सॉर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होता जितना हम लोग को ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग सीधा माउंट फ्रोजन से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद कौन सा भी लेजेंडरी बाकी है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, अगर आपने इतनी सीरीज़ को फॉलो किया है अभी तक तो। और आज के एपिसोड में यहीं पर रुकने वाले हैं, सोच रहा हूँ भाई नेक्स्ट लेजेंडरी बाद में पकड़ेंगे, आज का एपिसोड तो इन ट्रियो को ही ट्रिब्यूट देने वाले हम लोग, मतलब ट्रियो को ही कंट्रीब्यूट करने वाले काइंड ऑफ मोल्ट्रेस, सेप्टोस और आर्टिकुनो को। और एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके साथ साथ जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच गाइस, उसके लिए सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आपने सपोर्ट किया है, थैंक यू वेरी मच। और जो बंदे भाई एपिसोड देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, भाई कुछ तो यार कर दो सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पोकेमॉन ग्लेस, सब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम और ज़्यादा लेजेंडरीज को कैप्चर करने जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से लेजेंडरी अभी बाकी है। आपको लिस्ट पता रहेगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता देना कौन कौन से लेजेंडरी अभी तक बाकी है, तो उनको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कैप्चर करने के लिए निकलेंगे। उनका लोकेशन आपको बताऊंगा और कैसे उनको कैप्चर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस गेम के अंदर आपको कुछ लेजेंडरीज को एक्टिवेट करना पड़ता है, मतलब एक ट्रेनर के साथ लेजेंडरी ट्रेनर्स रहते हैं उनके साथ बैटल करनी पड़ती है, जैसे पोकेमॉन लाइट प्लेटिनम के अंदर भी था। तो उस सीरीज़ को आप चेकआउट कर सकते हो, मेरे बाकी के सारे पोकेमॉन गेम प्ले वॉक थ्रू इसकी सीरीज लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है, ज़रूर उनको भी चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, बाय फॉर नाउ, टेक केयर, सायोनारा।